Hi class 9, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उसकी किस तरह से डिस्कवरी हुई, किन किन साइंटिस्ट ने और किन किन थ्योरम्स के द्वारा और किन किन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन पार्टिकल्स को ढूंढा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर. तो सबसे पहले जानते हैं आपकी मैटर जो होता है. मैटर क्या होता है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. ठीक है, आपका जैसे बॉडी बनती है वो सेल से मिलकर बनती है, उसी तरीके से जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है. ठीक है, एटम्स एंड फर्दर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल. अब जो एटम है वो फिर दोबारा 3 चीज़ों के अंदर ब्रेक डाउन होता है और 3 चीज़ों से मिलकर बनता है. अब वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, बिल्कुल ध्यान से नोट करो चीज़ को. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. एटम किन 3 सब पार्टिकल से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, देखिए टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन को सिंबल क्या होता है? माइनस सी. इसका मास, इसका वेट जो होता है 9×10⁻²⁸. ठीक है, ये आप नोट करते जाएंगे. और रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास वो मास होता है जो कार्बन से कंपेयर करके निकालते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? 1.6×10⁻¹⁴, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे. तो इस पे कितना चार्ज होता है? 1.6×10⁻¹⁴ नेगेटिव में. ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है. उस तरह से प्रोटॉन की बात करते हैं. प्रोटॉन मतलब पी, पी मतलब पॉजिटिव, आप ऐसे याद रखना. ठीक है, अब जो इसका एक्चुअल मास होता है 1.6×10⁻²⁴. क्या कितना मास होता है इसका? 1.6×10⁻²⁴. इसका जो रिलेटिव यूनिट मास होता है 1U होता है. उसके बाद से इसका एब्सोल्यूट चार्ज 1.6×10⁻¹⁴ प्लस में. ठीक है, इन दोनों का चार्ज वैसे वैल्यू सेम ही है, लेकिन ये प्लस में है. याद रखो प्रोटॉन हमेशा किस में होता है? प्लस में पाया जाता है. उसके बाद से रिलेटिव चार्ज हो गया आपका प्लस 1. न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, एन मीन्स न्यूट्रल. ठीक है, और न्यूट्रॉन का भी एक्चुअल जो मास होता है 1.6×10⁻²⁴ होता है. ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है. उसका देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम मास. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? सेम मास है. देखो आप 1.6×10⁻²⁴ और न्यूट्रॉन का भी 1.6×10⁻². तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कैसा होता है? एक्चुअल में सेम होता है. ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट द इलेक्ट्रॉन. मतलब कि 2000 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास. यानी इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है वो कम होता है प्रोटॉन से. प्रोटॉन जो होता हैवी होता है 2000 टाइम्स. ठीक है, अब देखिए ये एक तरह से आपका एटम है. अब एटम का स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है. तो इसकी जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ इसकी जो अनदर वीडियो चैनल पर अवेलेबल है उसको आप जाके देख सकते हो. उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है अच्छे से कि देखिए ये जो नील बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या शेल में. ठीक है, तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या होता है, आपके जो ये सेल होता है, ऑर्बिट होता है, इसमें क्या करता है? घूमता रहता है. ठीक है, रिवॉल्व करता रहता है. और जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए प्लस का साइन है और न्यूट्रल को साइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है बताओ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उस तरीके से डायग्राम में देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है. ठीक है, सब एटॉमिक पार्ट्स हमने कितने कितने कौन कौन से हैं? आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन. ठीक है, तो एटम के कितने सब एटॉमिक पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब इनको ढूंढा किसने और किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है? तो देखिए चलिए देखते हैं. इसमें सबसे पहला था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. देखिए इलेक्ट्रॉन, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन इन 1897. इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? नोट करो अपनी कॉपी में, जे जे थॉम्सन ने. किसने को नोट किसने खोज करी? जे जे थॉम्सन ने. इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने करी थी. कौन से ईयर में करी? 1897 में जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी. देखिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. देखिए अ गैस लो प्रेशर, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, अ गैस एट अ लो प्रेशर वॉज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास. एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जो ग्लास टाइप का होता है. ठीक है, वहां पे इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर क्रिएट किया. एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड. अब जो इस ट्यूब का एक लास्ट था,
देखिए मान लीजिए इन्होंने इस तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब क्रिएट किया, ये गोल सा इसका डायग्राम यहाँ पे देखते चलिए अच्छे से थोड़ा, ये और ये एक तरह से डिस्चार्ज ट्यूब हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने प्रेशर क्या रखा, लो प्रेशर रखा, ठीक है। प्रेशर कैसा रखा ना, लो रखा। और एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब यूज अ इलेक्ट्रोड वेयर प्लेस कनेक्ट टू बैटरी एंड, और इन्होंने जो एंड था यहाँ पे क्या रखा, दो इलेक्ट्रोड को रखा, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है। इसको इन्होंने किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करके देखा। इसका इसका डायग्राम आप अच्छे से देख पाओगे अपनी बुक वगैरह में, अभी हम दो मिनट के लिए ऐसे समझ लेते हैं। ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है। एंड कनेक्ट द बैटरी एट द हाई वोल्टेज, और इसे किस पे रखा, बैटरी को हाई वोल्टेज पे रखा। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वॉज नोन एज कैथोड, एंड द जो इलेक्ट्रोड था उसे किस पे, जो एक इलेक्ट्रोड था उसको नेगेटिव में कनेक्ट करा उसे हमने कैथोड बोला, और जिसे जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में कनेक्ट करा तो उसे हमने क्या बोला, एनोड बोला, ठीक है। जो पॉजिटिव में कनेक्ट है उसे एनोड बोला। ही देन ऑब्जर्व स्ट्रीम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द कैथोड टूवर्ड द एनोड। अब इन्होंने देखा कि जो इसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं ना वो कहाँ जा रहे हैं, वो पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी एनोड क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है, नेगेटिव। तो इन्होंने इस चीज का, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और उसी पार्टिकल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। उस पार्टिकल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। एक लो प्रेशर किया किसमें, एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। और वहां पे इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को लगाए और कुछ बैटरी लगाई, मतलब हाई वोल्टेज पे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इन्होंने इसे क्या माना, इसे मान लिया एक मिनट के लिए, ये आपका एक तरह से हो गया कैथोड, क्या था इसमें, कैथोड था नेगेटिवली, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो यहाँ से कुछ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं और वो पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। अब ये एनोड क्या है, पॉजिटिव है, एनोड किस पे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की तरफ कौन आता है, नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल आता है, और इसी नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे जे थॉमसन ने 1897 में। ये रहा देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट एक तरह से, द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ कैथोड डिस्चार्ज इज कॉल्ड अ कैथोड रे। अब कुछ नेगेटिवली देखो कैथोड रे किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड द कैथोड। कैथोड से जितनी ज्यादा रे आ रही थी उसी रे को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को भी आप देख सकते हो, ये रे कैथोड, यहाँ से रे निकल रही है और ये कहाँ पे जा रही है, सारी एनोड पे जा रही है, और इसी पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। और नहीं तो और अच्छे से समझो, पूरे डायग्राम को अच्छे से समझो, ठीक है। आपको इस वीडियो के अंदर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और लेक्चर्स की वीडियोस आप देख सकें, बाकी और भी कुछ चीज़ों की अपलोड हो चुकी है आप उसे भी देख सकते हो। तो अब देखिए कैथोड हो गया और एनोड हो गया, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो एक ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, लो प्रेशर भी कर दिया, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, कैथोड रखा, और यहाँ पे क्या रखा, एनोड रखा। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं और वो पार्टिकल सीधा किस पे जा रहे हैं, एनोड पे जा रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इन्होंने पहले क्या कर लिया, लो रख लिया, ये चीज कर लिया, ठीक है। एक ट्यूब ले लिया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया एनोड और एक कैथोड डाल दिया, जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से। ये डायग्राम आपको बस विजुलाइज कराया जा रहा है। उसके बाद हाई वोल्टेज पे प्रेशर रख दिया, वोल्टेज दे दिया, और उसके बाद से यहाँ से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ ऐसे निकल रहा है कैथोड से, और कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रोड पे। उसी को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, ठीक है। तो ये आपका जे जे थॉमसन का पूरा एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद से बात करते हैं दूसरा कौन सा होता है, हमारा प्रोटोन होता है। कौन था दूसरा, प्रोटोन। प्रोटोन की खोज किसने करी थी, यूजीन गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है। यूजीन जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने, इन्हें ई गोल्डस्टीन भी कहा जाता है, इन्होंने खोज करी थी प्रोटोन की। कब करी, 1886 में, ठीक है। यूजीन गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटोन की खोज करी थी फर्स्ट टाइम। During the work with this charge tube, he observed ray travel from a cathode to anode electrons. अब ये तो देखा था इन्होंने कि, और साइंटिस्ट ने भी देखा कैथोड से जो एनोड जा रही है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बट ऑल्सो नोटिस दैट प्रेजेंस ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर वो लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ वेव्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि अलग अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वेव आ रही हैं और इसकी तरफ जा रही है, तो वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और इसका नाम क्या रखा, प्रोटॉन रखा,
कैनाल रे एज अ पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम एनोड। कैनाल रे क्या होती है? कैनाल कैथोड रे वो थी जो आपकी कैथोड इमिट करती थी, लेकिन कैनाल रे वो रे होती है जो आपकी एनोड इमिट करती है। जो रे एनोड्स इमिट करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनाल रे कहते हैं, ठीक है, सेम कैनाल रे कहते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन अप्लाई हाई वोल्टेज ऑन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड कैथोड। अ फेंट ऑफ ल्यूमिनस रेज वॉज सीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम होल्स एंड द ब्लैक्स दैट्स ऑफ द कैथोड। उन्होंने देखा कि अब कैथोड की तरफ से कोई ना कोई रे आ रही है और जो एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है, जैसा कि उसमें हुआ था कि उसमें रे कैथोड से आके एनोड पे जाती थी। फिर उन्होंने और देखा कि एक रे और आती है जो एनोड रे जहाँ पे जा रही है, मतलब जो एनोड से रेज निकलती है वो उसके अपोजिटिवली जाती हैं। उन्हें हमने क्या कहा? कैथोड का, वो उन्हें हमने क्या कहा? प्रोटोन का। बेसिकली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सिंपलर, आप बस इतना याद रखो कि प्रोटोन नोटोन की खोज किसने करी थी, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट को तैयार किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन में एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, हाई प्रेशर पे रखा इसको और लो हाई वोल्टेज पे रखा और लो प्रेशर पे रखा, ठीक है, सॉरी वो गलत बोल दिया, तो हाई वोल्टेज था और लो प्रेशर था। उसके बाद से यहाँ से कैथोड रे से कुछ रे इमिटेड हुई और उन्होंने फिर इस चीज़ को फिर से अब्जॉर्व किया और देखा कि एक ऐसी रे थी जो इलेक्ट्रॉन वाले के अपोजिट जाती थी और उसे इन्होंने प्रोटोन का नाम दिया। उसके बाद से न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। देखिए दीज नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सारे के सारे आपके जितने भी एटम्स होते हैं उसमें न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इट इज़ अ रिमार्केबल, याद रखे जाने वाली बात है कि डेट न्यूट्रॉन वॉज नॉट अ डिस्कवर अनटिल 1932। 1932 तक न्यूट्रॉन की खोज तो हुई नहीं थी, ठीक है, 1932 तक न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। वेन जेम्स चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने करी। स्कैटर डाटा, कैलकुलेट द मास ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, एनालाइज द फॉलो अप। इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि एक तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इन्होंने इस पार्टिकल्स को क्या करा, कुछ वेट के हिसाब से इन्होंने जज किया, ठीक है। अब इन्होंने जैसे जज किया कि मान लो कुछ वेट था, मास का इलेक्ट्रॉन का था और प्रोटॉन का था, लेकिन जो मास था कुछ अलग आता था, तो वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसका मास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो मास की कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी न्यूट्रॉन की वजह से, थोड़ी जो एक्स्ट्रा मास आती थी, ठीक है। देखिए और एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने परफॉर्म किया, बेरिलियम की जैसे इन्होंने पास कराए, ठीक है, तो सारे प्रोटॉन तो पास हो गए, लेकिन जब भी रे पास होती थी अल्फा से तो प्रोटॉन तो पास हो जाते थे लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पास होते थे, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ मिसिंग पाया और उसकी न्यूट्रॉन, उससे फिर न्यूट्रॉन नाम दिया, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं था लेकिन इसका मास में कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा रहता था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी।